इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। ये उसका दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिशिंग, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 8.3। ये जो मैप है उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स देने हैं। कैन यू गिव टू रीजंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील। साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील जो है, यहाँ पर फिशिंग क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दो फ्लोज दिखाई दे रहे हैं। ये एक देखिए यहाँ पर लिखा है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स यानी समुद्र में, ओशियंस में जो पानी का फ्लो होता है उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो वो जो करंट्स है वो दिखाए गए हैं। ये जो है रेड कलर का वो है वार्म वाटर करंट, यानी गुनगुने पानी वाला, गर्म पानी वाला करंट। और ये जो है ब्लू कलर का वो है कोल्ड वाटर करंट। देखिए यहां पर जो है नॉर्थ में, नॉर्थ ब्राजील से यहां से इक्वेटर जाता है, ये आपको पता है, हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में। तो इक्वेटर के पास सन रेज जो होते हैं वो सीधे गिरते हैं, उसके कारण यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, चाहे वो जमीन का हो या पानी का हो। तो यहां पर पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। और नीचे यहां पर समझिए, यहां पर साउथ पोल है, तो यहां पर आइस होता है, बर्फ होता है पूरा। और नॉर्थ से, इक्वेटर के पास से जो है गर्म पानी का फ्लो यहां पर आता है, और साउथ से, साउथ पोल की तरफ से जो है कोल्ड वाटर का फ्लो इस तरफ आता है। तो देखिए यहां पर जो फिश होते हैं वार्म वाटर में, उन वो ऐसे फिश होते हैं जो केवल वार्म वाटर में रह सकते हैं, और यहां पर नीचे जो फिश होते हैं वो केवल कोल्ड वाटर में रहने लायक होते हैं, यानी उनका एडाप्टेशन वैसा हुआ होता है। लेकिन देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस रीजन में साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील में क्या हो रहा है, यहां पर दोनों वाटर्स मिक्स हो रहे हैं, साउथ से कोल्ड वाटर करंट और नॉर्थ से वार्म वाटर करंट। इसके कारण यहां पर दोनों तरह के फिश जो है बहुत अधिक मात्रा में, अबंडेंस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहां पर फिशिंग जो है काफी की जा सकती है, ठीक है। तो ये कारण है। आगे, इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप्ड इन ब्राजील दो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन ब्राजील, कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन। इनलैंड फिशिंग क्यों डेवलप नहीं हुई, देखिए हमने देखा है कि जो सिटीज है ब्राजील में वो मेनली कोस्टल रीजन्स में है, तो ये इनलैंड ब्राजील है। यहां पर नदियां तो है बहुत सारी, लेकिन यहां पर पूरा जंगल है, यहां पर ह्यूमन ही नहीं रहते, तो यहां पर फिशिंग करने कौन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिकॉल, नेम द वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स नियर ब्राजीलियन कोस्ट। तो इन ये जो करंट्स है, वार्म वाटर करंट और कोल्ड ओशियन करंट, इनके नाम पूछे हैं। तो वार्म करंट जो है उसका नाम है ब्राजीलियन करंट, इसका नाम है ब्राजीलियन करंट, और जो कोल्ड ओशियन करंट है उसका नाम है फॉकलैंड करंट। ये आपको आगे पता चलेगा। चलिए, डू यू नो द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज यूज ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस एट द इंटरनेशनल लेवल। देखिए जब दो देशों में व्यापार होता है, किसी भी दो देशों में, देखिए अमेरिका सुपर पावर है आज का, तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है, किसी भी दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, तो वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर करेंसी में किया जाता है, डॉलर में किया जाता है। तो उसका जो कोड है यूएसडी है, यूएसडी, और उसका सिम्बॉल है ये, इज द सिंबल ऑफ दिस करेंसी। ब्राजीलियन रियाल, उसका कोड है BRL, इज द करेंसी ऑफ ब्राजील। ये रियाल नाम की जो है ब्राजील के करेंसी का नाम है, और उसका सिंबल है R और डॉलर, इज द सिंबल ऑफ दिस करेंसी। ये हमारे भारतीय रुपए की सिंबल है। देखिए ये देवनागरी R और इंग्लिश R अल्फाबेट से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये जो है इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। हमारे जो करेंसी है उसका जो कोड है वो है INR, इंडियन रुपी, INR। तो वन अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.1297 ब्राजीलियन रियाल है, और वन यूएस डॉलर जो है 64.153 इंडियन रुपीज है। तो ये जो है रेट जो है, जब ये बुक बन प्रिंट किया था तब का रेट है। अभी जो इंडियन रुपी का रेट है वन यूएस डॉलर के लिए, वो है अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज। अगर आपको आज का करंट
रेट देखना है तो आप गूगल पर जाकर यूएसडी टू INR ऐसा टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं। और क्योंकि नोट है यहां पर दी हुई, दीज रेट्स ऑफ करेंसी आर ऑलवेज चेंजिंग, ये हमेशा बदलते हुए रहते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ब्राजील हैज अ सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7400 किलोमीटर्स एंड एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट। देखिए साउथ अटलांटिक कोस्ट के पास जो है ब्राजील में, मैंने जैसे कि रीजन बताया आपको, दोनों वाटर करंट्स वहां पर मिक्स होते हैं, इसके कारण वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं और ब्राजील को भी सी कोस्ट बहुत मिला है 7400 किलोमीटर्स का। द मीटिंग ऑफ द वार्म ब्राजीलियन करंट एंड द कोल्ड फॉकलैंड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट ब्राजील मेक्स इट अ गुड फिशिंग ग्राउंड। यहाँ पर दोनों टेम्परेचर के वाटर्स होते हैं, इसके कारण वहां पर दोनों फिश अवेलेबल होते हैं एबंडेंस में। ट्रेडिशनली फिशिंग हैज बीन कैरिड ऑन बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फिशरमैन यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो है फिशिंग इंडिविजुअल फिशरमैन द्वारा किया जाता है, बड़े बड़े कंपनियां इन्वॉल्व नहीं है और वो पुरानी टेक्निक्स की मदद से, जो पुरानी इक्विपमेंट्स है उनकी मदद से किया जाता है। बट नाउ लार्ज वेसल्स आर बीइंग यूज्ड, अभी बड़े बड़े जहाज और मॉडर्न टेक्निक भी यूज की जा रही है। स्वॉर्ड फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर्स एंड सार्डाइन्स आर मेनली कॉट, इस तरह के फिश जो है वो मेनली वहां पर पकड़े जाते हैं। देखिए ये देखते, गिव इट अ ट्राई। द फॉलोइंग इमेजेस आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई एंड राइट वेदर दे आर प्रैक्टिस इन ब्राजील और इंडिया। नीचे जो चित्र दिए गए हैं वो ब्राजील में किया जाता है या इंडिया में किया जाता है, ये पूछा गया है। देखिए ये जो है कोको बीन्स है, चॉकलेट, तो ये कोको के जो फार्म्स है वो मेनली ब्राजील में है, तो ये ब्राजील का चित्र है। बाद में ये जो है टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन मेनली साउथ इंडिया और आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है, तो ये इंडिया का है। बाद में ये है झूम एग्रीकल्चर, झूम एग्रीकल्चर यानी वनवासी लोग जो होते हैं, ट्राइबल पीपल, वो जंगल में क्या करते हैं, थोड़ी सी जमीन मतलब उस पर जो पेड़ है वो जला देते हैं और वहां पर खेती करते हैं, तो ये उसे बोलते हैं झूम एग्रीकल्चर, ये इंडिया में है मेनली। बाद में ये है पैडी फील्ड्स है, मतलब राइस की खेती, तो ये भी इंडिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिश रिसोर्सेस ऑफ द अमेजॉन रिवर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड मच एंड फिशिंग ओनली टेक्स प्लेस ऑन अ स्मॉल स्केल। तो ब्राजील में भी अभी इतना बड़ी मात्रा में फिशिंग शुरू हुई नहीं है, इनलैंड में तो बहुत ही कम है और स्मॉल ग्रुप्स में अमेजॉन रिवर के बेसिन में जो है थोड़ा बहुत किया जाता है, ज्यादा नहीं किया जाता। एग्रीकल्चर इन इंडिया, ट्राई दिस, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, ज्वार, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड एप्पल्स इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया यूजिंग सिम्बॉल्स, नेम द मैप। देखिए तो ये आपको मैप में बताने के लिए बोला है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे दिखाना है। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्रॉप के लिए कुछ सिम्बॉल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, हर एक क्रॉप के लिए कुछ सिम्बॉल्स देने पड़ेंगे। जैसे ज्वार के लिए ट्रायंगल, जो व्हीट है उसके लिए स्क्वायर, फिर राइस के लिए सर्कल, ऐसे अलग अलग सिम्बॉल्स आप दे सकते हैं और आपको यहां पर इंडेक्स लिखना पड़ेगा और उसमें कौन सा सिम्बॉल किस लिए है वो लिखना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल देकर यहां पर जोवार ऐसा लिख सकते हैं उसके आगे, और जहां जहां जोवार प्रोड्यूस किया जाता है, जो मैं आगे बताने वाला हूं, वहां वहां आप ट्रायंगल्स निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है, छोटे छोटे। तो मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर जोवार मेनली प्रोड्यूस होता है। देखिए जोवार जो है वो सेंट्रल महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र, साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान यहां पर, फिर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, फिर नॉर्दर्न कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में यहां पर, फिर जो नॉर्दर्न तेलंगाना है यहां पर मेनली जोवार क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद व्हीट को आप जो मन चाहे वो सिंबल दे सकते हैं, आपको पहले यहां पर इंडेक्स लिख लेनी है, बाद में यहां पर ड्रॉ करने सिंबल्स, ताकि आपको भी याद रहे। अगर आप मन से सिंबल्स लिखने लगे और बाद में इंडेक्स लिखने बैठेंगे तो आप भूल सकते हैं। चलिए व्हीट जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है पंजाब और हरियाणा में यहां पर, ठीक है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी प्रोड्यूस किया जाता है,
फिर जो उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, बिहार, साउथ बिहार में, फिर झारखंड में, ठीक है, फिर नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर यहाँ पर सेंट्रल तेलंगाना में और सेंट्रल कर्नाटक में, ठीक है, ये वीट प्रोड्यूस किया जाता है। फिर देखते हैं राइस। राइस जो है आपको याद रखना बहुत आसान है, पूरा कोस्टल इंडिया जो है वहाँ पर राइस प्रोड्यूस किया जाता है, पूरा जो कोस्टल इंडिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है, ये याद रखिए। फिर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत राइस प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में भी राइस प्रोड्यूस किया जाता है, नॉर्दर्न बिहार में भी, ठीक है, और छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश और ईस्टर्न महाराष्ट्र यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्रॉप लेते हैं हम, कॉटन लेते हैं। तो कॉटन जो है, कॉटन महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है, सेंट्रल और ईस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न पूर्वी गुजरात में, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पंजाब में, थोड़ा हरियाणा में, थोड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। बाद में लेते हैं शुगर केन। शुगर केन जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, पश्चिम महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल कर्नाटक यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ईस्टर्न तमिलनाडु में, फिर है आंध्र प्रदेश में, फिर हो गया ओडिशा में, ठीक है, थोड़ा बिहार में, थोड़ा झारखंड में, उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, सेंट्रल मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर। फिर लेते हैं टी। जैसे कि मैंने बताया, टी जो है केरल में बहुत प्रोड्यूस किया जाता है मेनली, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जैसे आसाम वगैरह यहाँ पर, इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर है एप्पल्स। एप्पल्स जो है मेनली यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर, पश्चिमी लद्दाख में, फिर हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेनली एप्पल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अनलाइक ब्राजील, इंडियाज एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स GDP एंड ऑल्सो एंगेजेस अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मतलब ब्राजील जैसा नहीं है हमारे देश में, इंडिया में जो है एग्रीकल्चर बहुत से लोगों का मुख्य बिजनेस है, ठीक है, और GDP में भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है भारत की। अराउंड 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेशन। भारत के 60% भूमि जो है वो खेती के लिए यूज की जाती है। इट्स एनॉर्मस एक्सपांस ऑफ लेवल प्लेन्स, रिच सॉइल्स, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वाइड क्लाइमेटिक वराइटी, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एटसेट्रा प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एग्रीकल्चर। देखिए भारत में विशेषता यह है कि भारत में कुछ कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहां पर साल में 3 बार खेती की जा सकती है। यहाँ की भूमि जो है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर नदियां बहुत है, हमारे यहाँ क्लाइमेट में भी वैरायटी है, जैसे नॉर्थ में ठंडा मौसम है तो वहां पर एप्पल्स आते हैं, साउथ में गर्मी होती है तो वहां पर टी प्लांटेशंस होते हैं। तो ऐसा अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर सभी तरह के क्रॉप्स मेन जो है वो आते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी। भारत में बहुत मुख्य व्यवसाय है खेती जो है वो। इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सिस्टेंस टाइप, मतलब मेन बिजनेस है लोगों का। इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, वीट, मेज, सोरगम एंड मिलेट्स एज मेजर फूड क्रॉप्स। प्लांटेशंस ऑफ टी, कॉफी, रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एटसेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस। देखिए भारत क्या प्रोड्यूस करता है, मेनली राइस, चावल, वीट, गेहूं, मेज यानी जो है मक्का, सोरगम यानी ज्वार जो होता है, मिलेट्स यानी अलग अलग तरह के धान जो होते हैं, बाजरा वगैरह उस तरह के। फिर उसके बाद टी, कॉफी, रबर और कैश क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन, जूट भी प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे ऑरेंजेस प्रोड्यूस होते हैं हमारे यहाँ, और तरबूज प्रोड्यूस होते हैं, फिर एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं फिशिंग इन इंडिया।
फिशिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की इकोनॉमी में फिशिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि देखिए पहले ही हमारे यहाँ भी प्रिमिटिव टेक्निक से फिशिंग की जाती थी, लेकिन बाद में जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन किया गया खेती से रिलेटेड, वैसे ही ब्लू रिवोल्यूशन किया गया। ब्लू रिवोल्यूशन यानी जो है फिशिंग से रिलेटेड है, फिशिंग डेवलप करने के लिए किया गया, उसे बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। जो व्हाइट रिवोल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश, भारत में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है फिश, बोथ मरीन एंड इनलैंड। देखिए हमारे यहाँ समुद्र किनारा भी बहुत है और नदियां भी बहुत है, तो इनलैंड यानी नदियों में जो किया जाता है वो, और मरीन यानी समुद्रों में जो किया जाता है फिशिंग वो। फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल एंड अर्निंग फॉरन एक्सचेंज। तो फिशरीज के कारण क्या होता है, फूड सप्लाई को एक सपोर्ट होता है, पूरा खेती पर डिपेंडेंसी नहीं रहती, थोड़ा सपोर्ट भी होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, फिर न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ता है, फिश काफी न्यूट्रिशनल होते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज जो है हमें मिलता है, विदेशी करेंसी मुद्रा मिलती है एक्सपोर्ट के बाद। फिश फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो इन स्टेट्स के जो कोस्टल रीजन्स है वहां पर रहने वाले जो लोग हैं समुद्र किनारे के पास, वहां पर जो है फिश बहुत खाते हैं लोग। इंडिया हैज अबाउट 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, देखिए हमारा एरिया जो है ब्राजील से कम है, काफी 1/3 है, ब्राजील हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन हमारा जो कोस्टल एरिया है वो उनसे ज्यादा है, उनका 7400 किलोमीटर है, हमारा 7500 किलोमीटर है। मरीन फिशिंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बींग कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर्स इन द वेस्ट, फ्रॉम कच्छ मलबार कोस्ट टू कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट। मेजर फिशेस आर सार्डाइन्स, मकरेल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स। देखिए जो है कोस्टल वाटर्स में मरीन फिशरी की जाती है, और 40% फिशिंग जो है मरीन है हमारे यहाँ समुद्र में। तो मलबार कोस्ट, देखिए कौन से कोस्ट बताए गए हैं, कच्छ यानी गुजरात का रीजन, ठीक है, कच्छ यानी गुजरात का रीजन। फिर है मलबार कोस्ट, देखिए ये वाला जो है कच्छ रीजन है, मलबार कोस्ट यानी ये वाला कर्नाटक और केरल का जो कोस्टल रीजन है उसे बोलते हैं। फिर कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट यानी ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है हमारा वो, उसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला मेनली, ठीक है। तो वहां पर बहुत फिशिंग की जाती है, और कौन से तरह के फिशेस, सार्डाइंस, मैकरेल, बॉम्बे डक, प्रॉन्स, ठीक है। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट द इंपॉर्टेंट फिश आर हॉर्स मैकरेल्स, क्लूपॉइड्स एंड सिल्वर बेलीज, ये जो है ईस्टर्न कोस्ट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन इन रिवर्स, कैनल्स, इरिगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। फ्रेश वाटर फिशिंग भी की जाती है कहाँ कहाँ पर, नदियों में की जाती है, कैनल्स में की जाती है, फिर इरिगेशन चैनल्स यानी जो कालवे जाला म्हणतात, फिर टैंक्स में भी की जाती है, जो अंडे होते हैं, एग्स जो होते हैं फिश के, वो वहां पर छोड़े जाते हैं और वो बड़े होने के बाद उन्हें निकाला जाता है। पॉन्ड्स में, लेक्स में भी किया जाता है। सिल्वर बेलीड कार्प्स, जिसे मराठी में चोपड़ा कहते हैं, एटसेट्रा आर मेजर फ्रेश वाटर वराइटीज। अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड फिशरीज। तो 60% जो फिशिंग है वो जो है वो इनलैंड है, यानी फ्रेश वाटर की है, ठीक है। तो ये आपको करना है, फाइंड आउट, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पाइसिकल्चर, पाइसिकल्चर यानी फिशिंग, जिसे फिशिंग को बोलते हैं पाइसिकल्चर, पाइसिस यानी आपने एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, पाइसिस यानी फिश क्लास को बोलते हैं, पाइसिकल्चर यानी फिश का प्रोडक्शन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड रेफरेंस बुक्स एंड राइटर नोट, ये तो ये आपको करना है। माइनिंग इन इंडिया, अभी माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। छोटा नागपुर रीजन यानी जो है ये रीजन यहाँ का, बिहार और झारखंड के पास जो है वो, ये रीजन, इस ये वाला, तो वहां पर कई सारे मिनरल्स है। तो माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर, वहां पर माइनिंग काफी किया जाता है उसके कारण।
कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। तो कोल जो है वो छत्तीसगढ़ में और पूर्वी महाराष्ट्र में जो है काफी माइनिंग की जाती है उसकी, ठीक है। फिर मिनरल ऑयल वेल्स आर फाउंड इन दिग्बोई इन आसाम, मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर आसाम में जो है मिनरल ऑयल्स और नेचुरल गैस के जो है खाने पाई गई है, और यहाँ पर बॉम्बे हाई यहाँ पर है समुद्र में, मुंबई के पास है वो समुद्र में, वहाँ पर नेचुरल गैस के जो है स्टोर हाउसेस पाए गए हैं उसके बाद, और नेचुरल ऑयल के भी। कलोल एंड कोयली इन गुजरात, रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी, यहाँ पर भी पाए गए। स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश। कड़प्पा नाम का एक गांव है, वहाँ पर जो कड़प्पा नाम का एक स्टोन होता है ब्लैक कलर का, वो वहाँ से पाया जाता है, और राजस्थान से मार्बल्स पाए जाते हैं, मार्बल स्टोन। इंडस्ट्रीज इन ब्राजील, मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल असेंबली, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल्स प्रोडक्शन एंड सीमेंट मेकिंग। टेक्नोलॉजिकली बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन द मोस्ट डायनामिक इन रिसेंट ईयर्स बट हैव नॉट आउटपेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखिए ब्राजील में कौन से मेन इंडस्ट्रीज है, आयरन और स्टील प्रोडक्शन काफी किया जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलिंग यानी जो गाड़ियां हैं वो भी असेंबल किए जाती है, यानी पार्ट्स उसके जो होते हैं वो बाहर देशों में बनाए जाते हैं और यहाँ पर ब्राजील में सिर्फ उनका असेंबलिंग यानी ज्वाइनिंग किया जाता है पार्ट्स का। फिर पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, पेट्रोल का शुद्धिकरण मतलब नेचुरल ऑयल क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाना वगैरह, केमिकल्स का प्रोडक्शन, सीमेंट के कारखाने, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज भी काफ़ी डेवलप हो रही है आजकल, मतलब इन सालों में जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी चल रही है। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड वेल। तो देखिए ये भी इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हो चुकी है फूड प्रोसेसिंग, जैसे जैम्स बनाना, सॉस बनाना, केचप्स बनाना, फिर उसके बाद शुगर की इंडस्ट्रीज, फिर कॉटन टेक्सटाइल्स, फिर सिल्क बनाने वाली वुलन इंडस्ट्रीज, ये भी अच्छी डेवलप हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, ये आपको याद रखना है। जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जो भी पॉपुलेशन है, वो साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन में ब्राजील के ज्यादा है। द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील बट इट इज बिगिनिंग टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। नॉर्दर्न रीजन में काफी गरीबी है क्योंकि जाहिर है वहां पर रेन शैडो रीजन है, तो इसके कारण वहां पर बारिश कम होती है, ठीक है, तो इसके कारण वहां पर गरीबी है, ठीक है। अभी देखते हैं इंडस्ट्रीज इन इंडिया, लुक एट फिगर 8.4, ऑब्जर्व द लोगोस गिवन। देखिए ये अलग अलग लोगोस दिए गए हैं, ये है ओएनजीसी का लोगो, ओएनजीसी का लॉन्ग फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर है ये है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी ये स्टील इंडस्ट्री का है, जो वाइजैग यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है वहां पर ये कारखाना है। फिर आरए ये मिल्क प्रोडक्शन का है, मुंबई में बेस्ट। ये है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये वेस्ट बंगाल में है, चित्तरंजन दास जो क्रांतिकारी थे हमारे स्वातंत्र संग्रामी, उनके नाम से रखा गया है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये रेलवे की इंजिन बनाती है ये कारखाना। फिर ये है द महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है महाराष्ट्र में जो एग्रो मतलब खेती में जो प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं उस पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। फिर ये है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसका इंग्लिश में होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। ये जो है ग्रामोद्योग यानी गांव के लोग जो होते हैं, जैसे खादी का कपड़े बनाते हैं वो, या फिर जो छोटे बहुत देसी घी वगैरह बनाते हैं, तो उनके जो है उनका शॉप है ये। फिर ये है केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसका ये लोगो है सिल्क। फिर ये है RCF, इसका लॉन्ग फॉर्म है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स,
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने वाले कारखाने के ये है लोगो। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज विद विच दे आर एसोसिएटेड, ये तो ये पूछा है ये कौन से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तो देखते हैं। चलिए तो देखिए, ये तो ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी ऑयल और नेचुरल गैस निकालने वाला है ये, ठीक है। ये जो है स्टील प्रोडक्शन का है, इस्पात यानी स्टील, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद ये RA जो है वो मिल्क प्रोडक्शन वाला है। ये जो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये जो है वो रेलवे इंजिन बनाने वाला कारखाना है। फिर ये जो है एग्रो इंडस्ट्रीज यानी जो खेती से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है उससे रिलेटेड है। फिर ये है सिल्क से रिलेटेड, सिल्क के क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए। ये है खादी टेक्सटाइल यानी खादी कपड़ा, फिर उनके और जो उद्योग होते हैं वो उससे रिलेटेड है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रॉ मटेरियल इज यूज फॉर दीज इंडस्ट्रीज, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली। देखिए रॉ मटेरियल्स इसमें तो नेचुरल गैस होता है ONGC में, फिर इसमें सिल्क थ्रेड होते हैं, यहाँ पर जो है इसमें एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसे, शुगर केन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली यानी प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा, इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। तो देखिए प्राइमरी जो है ONGC प्राइमरी है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने वाला है। RA भी प्राइमरी है क्योंकि वो दूध वाला है, नेचुरल रिसोर्स ही है। फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये भी नेचुरल रिसोर्स से है, ये भी प्राइमरी है। KVIC खादी ग्रामोद्योग भी प्राइमरी से रिलेटेड है। फिर सेकेंडरी से रिलेटेड कौन से है, इस्पात यानी ये वाला, ये जो आयन और निकाला जाता है आयन माइंस से, वहां उस पर प्रोसेसिंग करने की ये इंडस्ट्री है, तो ये हो गया सेकेंडरी। फिर ये हो गया, ये भी सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजिन्स, रेलवे इंजिन्स। ये भी है केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने वाला, सेकेंडरी है। और ये भी जो महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये भी जो है सेकेंडरी है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया डू दे गेट दीज रॉ मटेरियल्स, डिस्कस एंड राइट। तो देखिए उन्हें अलग अलग हिस्सों से भारत के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे RA कंपनी जो है उनको रॉ मटेरियल्स जो है मुंबई के आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं वहां से मिलता है दूध रॉ मटेरियल यानी, ठीक है। जो चित्तरंजन लोकोमोटिव है वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड से लेता है। तो ऐसा है, ये जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो कहाँ से, कर्नाटक में वगैरह काफी है उनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज हाईली अनइवन, भारत में इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइवन है, कहीं पर बहुत इंडस्ट्रीज है, कहीं पर बहुत कम है। दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स एंड पावर रिसोर्सेज एंड पार्टली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर नेसेसरी कंडीशंस इन लार्ज टाउन्स। देखिए इसका कारण क्या है, इंडस्ट्रीज अनइवन क्यों है भारत में, इसका कारण ये है कि देखिए पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी भी सभी जगह पर इतनी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। रॉ मटेरियल्स कुछ जगह पर जो अवेलेबल होते हैं वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज होती है। फिर कुछ रीजन्स में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसे की उपलब्धि वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, उसके कारण, ठीक है। आगे, झारखंड, ओडिशा, एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। इन स्टेट्स में जो है बहुत से मेटालिक मिनरल्स जो है होते हैं, इसके कारण यहाँ पर मेटल के माइंस काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। दिस एरिया देवरफोर पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला हैज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज विथ ऑलमोस्ट ऑल द स्टील इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हियर। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला बोला है, नॉट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया,
ये नहीं बोला है, ये जो पेनिनसुला है इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी ये रीजन, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटल इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पर मेटल माइंस काफी है। ठीक है, ये याद रखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला बोला है। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स अलॉन्ग विथ चीप पावर फ्रॉम दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड अ नंबर ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैव एडेड टू द एडवांटेजेस। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स भी काफी है, इलेक्ट्रिसिटी भी काफी अवेलेबल है, तो उसके कारण वहां पर ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। राजस्थान हैज कॉपर, लेड एंड जिंक। राजस्थान में कॉपर है माइंस, लेड माइंस है और जिंक भी है। कर्नाटक हैज स्टील, मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम, एंड तमिलनाडु हैज एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉटन, जूट एंड शुगर आर हेविली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये जो है कॉटन, जूट, शुगर, जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में काफी प्रोड्यूस किया जाता है तो उनकी इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा है। शुगर महाराष्ट्र में काफी प्रोड्यूस किया जाता है उनकी इंडस्ट्रीज, कॉटन भी महाराष्ट्र में है तो उनकी इंडस्ट्रीज यहां पर है। द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेपर, प्लाईवुड, मैचेस, रेजिन्स एंड लैक आर इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स। रेजिन्स यानी एक स्त्राव होता है, सिक्रिटरी सब्सटेंस होता है प्लांट से, वो जंगल के रीजन में ज्यादा है, फॉरेस्ट रीजन जहां पर है वो। ये जो इंडस्ट्रीज है जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होती है वो सारे फॉरेस्ट रीजन में यानी सेंट्रल इंडिया में वगैरह ज्यादा है। लैक यानी एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो मतलब उसके बैंगल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, बैंगल्स वगैरह, और वो जो स्टैम्प जो गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं उन, या फिर जो अगर कोई ऑफिस या कोई घर उसको उस पर छापा मार के जब सील करते हैं तब वहां पर लॉक लगाकर उसके ऊपर ये लैक का स्टैंप लगाते हैं, मतलब वो ब्लैक पिघला कर, मरून कलर का होता है वो, पिघला कर उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं तो वो होता है लैक, लाख मंटला मराठी। द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला हैज अ हेवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉयर, कोपरा एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज। कॉयर कोपरा यानी नारियल, नारियल से जो रस्सियां बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं कॉयर कोपरा। और फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज मतलब फिश को कैन करना, फिश को पैक करके वो बेचना, एक्सपोर्ट करना। कोयली, दिग्बोई एंड नून माटी एंड बोगाईगांव रिफाइनरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड मथुरा एंड बरौनी रिफाइनरीज इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये जो है ये रिफाइनरीज यानी क्रूड ऑयल को जो है जो पेट्रोल वगैरह प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल होते हैं उनमें कन्वर्ट करने वाला उन्हें बोलते हैं रिफाइनरीज। तो ये इन गांवों में सिचुएटेड है, ठीक है, और मथुरा और बरौनी में भी सिचुएटेड है इंटीरियर में अवे फ्रॉम द कोस्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो हाईली कंडीशन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो सीमेंट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज भी काफी है हमारे देश में, आई थिंक सेकेंड रैंक है हमारा सीमेंट प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस द बल्क ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री। देखिए, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में काफी सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज विच शो लिटिल बायस फॉर रॉ मटेरियल हैव कम अप विथ ऑल ओवर द कंट्री विथ हेवियर कॉन्सेंट्रेशन नियर द बिग सिटीज। तो ये जो इंडस्ट्रीज है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जैसे ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली कंपनियां जो है, फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली है, फिर अलग अलग वस्तुएं बनाने वाली जैसे मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज वगैरह, ये जो है उनके लिए रॉ मटेरियल्स जो है इतने मायने नहीं रखते और वो कहीं पर भी लगाए जा सकती है, तो वो पूरे देश भर में फैली हुई है और ज्यादा से ज्यादा वो बड़े शहरों के पास फैली हुई है। लेट अस रिकॉल ट्रेड, रीड द एडजॉइनिंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी क्या? तो देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे बोलते हैं, तो इंपोर्ट वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यू के डिफरेंस को, यानी इंपोर्ट कितने रुपीज का आप कर रहे हैं या जो भी देश की उस देश की करेंसी है वो, इंपोर्ट की वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट की वैल्यू, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड।
टेल द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स को किस किस तरह के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनबैलेंस में दो टाइप होते हैं, एक सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दूसरा डेफिसिट ट्रेड, ठीक है। इन विच कंट्री एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट्स इन ऑल द ईयर्स, किन देश में एक्सपोर्ट जो है ज्यादा है इंपोर्ट्स के मुकाबले में। देखिए हम देखते हैं, यहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाए गए हैं, यहां पर वर्ष है, यहां पर ब्राजील के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाए गए हैं। तो देखिए यहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट है नियरली 178,000 जो है यूएस डॉलर्स, ये मिलियन में होगा। फिर यहां पर 283,000 है, तो जो है इंपोर्ट ज्यादा है। यहां पर देखते हैं ब्राजील में जो है 152,994.7 है और ये जो है 1,27,647, यानी देखिए एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। अगर आप देखते जाओगे तो ब्राजील का हर वर्ष सभी वर्षों में एक्सपोर्ट ज्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट। तो इन विच कंट्री एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट इन ऑल द ईयर्स, तो ब्राजील आंसर है। ब्राजील बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप, देखिए जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो जाहिर है जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारी कमाई ज्यादा होगी, जब हम बेचेंगे ज्यादा सामान तब हमारी कमाई ज्यादा होगी, जब खरीदेंगे तब हमारा लॉस ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर एक्सपोर्ट वो ज्यादा कर रहे हैं तो उनका जो ट्रेड है उसे बोलते हैं फेवरेबल ट्रेड बोलते हैं, या फिर सरप्लस ट्रेड बोलते हैं उसे, फेवरेबल ट्रेड या सरप्लस ट्रेड। ब्राजील का ट्रेड जो है वो फेवरेबल कहा जाता है या फिर सरप्लस ट्रेड। इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप, इंडिया का जो है सभी सालों में जो है इंपोर्ट ज्यादा है, हमारा खरीदी हम ज्यादा कर रहे और बेच हम कम रहे तो हमारा जो है लॉस में है, यानी हमारा जो है वो उसे बोलते हैं डेफिसिट ट्रेड या फिर अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है, डेफिसिट ट्रेड या अनफेवरेबल ट्रेड। यहां पर यूज योर ब्रेन पावर बोला है, इफ राजस्थान डज नॉट हैव अ कोस्टल एरिया देन हाउ डज इट प्रोड्यूस सॉल्ट, यहां पर यह पूछा गया है। देखिए यहां पर तो समुद्र किनारा नहीं है राजस्थान में, तो फिर भी सॉल्ट सबसे ज्यादा कैसे प्रोड्यूस करता है राजस्थान, तो यहां पर एक सॉल्टी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक, उसका नाम है सांभर लेक। सांभर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, यानी खारे पानी का लेक है वो, तो वहां से सॉल्ट काफी ऑप्टेन किया जाता है, काफी प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये रीजन है। ऑल दो देर इज नो सी कोस्ट बट देर इज अ सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है सांभर लेक, तो उसके कारण वहां पर सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन ओर, कॉफी, कोको, कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंजेस एंड बनानास, व्हाइल इट इंपोर्ट्स मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, व्हीट, हेवी व्हीकल्स, मिनरल ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो ब्राजील क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मेनली आयरन ओर यानी कच्चा लोहा, फिर कॉफी, कोको पाउडर, कॉटन, शक्कर, तंबाकू, ऑरेंजेस, संतरी, केला, ये एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट क्या करता है, मॉडर्न मशीनरी जो है, मशीन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, गेहूं, हेवी व्हीकल्स, बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, मिनरल ऑयल यानी जो नेचुरल ऑयल होता है वो कच्चा तेल, लुब्रिकेंट्स यानी जो फ्रिक्शन कम करने वाली जो ऑयलिंग की जाती है ना मशीनरीज में या गाड़ियों में उसे बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, फ्रिक्शन कम करने के लिए जो होते हैं उन्हें बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। तो इनके जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स है ब्राजील के वो है जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया और इंडिया। ट्रेड मेक्स अप टू 25% ऑफ जीडीपी, उनका जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें से 25% जो है ट्रेड पर डिपेंडेंट है। सी फिगर 8.5 बिलो एंड कंपेयर इट विथ इंडिया, देखिए यहां पर जो फिगर दी गई है 8.5 कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी, देखिए ये जो है ब्लू कलर की लाइन जो है ब्राजील का ट्रेड है और उसका परसेंटेज इन ब्राजीलियन जीडीपी, और रेड कलर की पिंक कलर की जो लाइन है वो है इंडियन ट्रेड और उसका परसेंटेज इन जीडीपी।
तो देखिए ये ईयर्स दिए गए हैं और ये परसेंटेज दिया गया है। तो देखिए रेड कलर की लाइन यानी इंडिया वाले लाइन जो है काफी ऊंची है, यानी इंडिया में ट्रेड का परसेंटेज जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है कंपेयर टू ब्राजील। लेकिन 1985 या उससे पहले जो था 1990 से पहले ब्राजील का ज्यादा था ट्रेड में कंट्रीब्यूशन जीडीपी का, ठीक है, बाद में इंडिया का बढ़ गया। ब्राजील का धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन इंडिया का काफी स्पाइक्स वाला कर्व है, यानी ऊपर नीचे लेकिन काफी ऊंचा हुआ है अभी। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स टी, मैंगोज, कॉफी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, व्हाइल इट मेनली इम्पोर्ट्स पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर पेपर्स, मेडिसिन एटसेट्रा। देखिए भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मेनली चाय, आम, भारत का आम तो दुनिया भर में फेमस है अल्फोंसो मैंगो, फिर कॉफी जो है वो भी एक्सपोर्ट करता है, स्पाइसेस, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पाइसेस मसाले जो है वो भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्राचीन काल से भारत में मसालों के व्यापारी और मसालों का व्यापार होते आ रहा है 5000 वर्षों से। लेदर, चमड़ा और लेदर की वस्तुएं जैसे चप्पल्स होते हैं, शूज होते हैं, पर्सेस होते हैं, पॉकेट्स होते हैं, आयरन और कच्चा लोहा, फिर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, कॉटन और सिल्क के कपड़े, और इंपोर्ट क्या करता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, तो ये हमारे यहाँ काफ़ी कम है पेट्रोलियम तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इस पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमारे मोदी सरकार ने अभी प्लान बनाया कि 2030 तक पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है पूरे रेलवेज का, और हमारे देश में 2030 तक पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाने हैं ऐसा डिसाइड किया गया है, ताकि पेट्रोलियम पर होने वाला खर्चा हमारा 52% पैसा जो है वो नियरली पेट्रोलियम इंपोर्ट करने में खर्च होता है। बाद में मशीन्स इंपोर्ट करते हैं हम, पर्ल्स इंपोर्ट करते हैं, मोती, प्रेशियस स्टोन्स, हीरे वगैरह, पन्ना वगैरह इंपोर्ट करते हैं, फिर गोल्ड, सिल्वर, देखिए गोल्ड तो हम काफ़ी मतलब प्यारा है भारतीयों को, सोना और चांदी तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, और पेपर भी इंपोर्ट करते हैं, मेडिसिंस, हम बहुत से मेडिसिंस एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत से मेडिसिंस इंपोर्ट भी करते हैं। इंडियाज़ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर द यूके, द यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया एटसेट्रा। भारत के जो बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो कौन से हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना एंड रशिया एटसेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया ब्राजील टाइज, ब्राजील और भारत के जो बंध है वो कैसे है। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर। तो ये जो है देखिए BRICS stands for BRICS, यानी B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China और S for South Africa। तो ये जो है पांच देशों के नामों के इनिशियल से ये बना है नाम। तो ये देखिए इसके नाम में भी हर एक लेटर में उस देश का फ्लैग दिखाया गया है, ये ब्राजील का फ्लैग है, ये रशिया का फ्लैग है, ये हमारे भारत का फ्लैग है, ये चाइना का फ्लैग है, ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। When was it established? इसकी स्थापना कब हुई ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की? तो इसकी स्थापना जो हुई थी जून 2006 में हुई थी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ब्लॉक, इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? देखिए आपस में ये जो पांच देश है ये उभरती इकोनॉमीज है दुनिया में, तो इनका आपस में सहयोग बढ़ाना, उनका असिस्टेंस बढ़ाना और उनके आपस में व्यापार बढ़ाना, ये भी इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक। देखिए कौन से कॉन्टिनेंट के कंट्रीज इस ब्लॉक में नहीं है, तो देखते देखिए ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है, रशिया जो है वो एशिया से है, इंडिया जो है वो एशिया से है, चाइना जो है वो भी एशिया से है, और साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका से है। देखिए रशिया का जो है वो कहते हैं यूरेशिया में है, यानी यूरोप में भी है और रशिया एशिया में भी है, तो इसे यूरोप भी कह सकते हैं और एशिया भी कह सकते हैं। तो कौन से कॉन्टिनेंट के नहीं है मेनली, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कोई, नॉर्थ अमेरिका के कोई भी नहीं है, यूरोप के कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के भी कोई नहीं है और अंटार्कटिका के भी कोई नहीं है। और कौन से कॉन्टिनेंट के है, इन विच कॉन्टिनेंट डू द मेंबर कंट्रीज लाई,
तो ये है साउथ अमेरिका, एशिया ये तीन देश, और ये है साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू ब्रिक्स ब्राजील हैज ओपनड अप अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, देयर हैव बीन एग्रीमेंट्स फॉर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापना करने के बाद ब्राजील और इंडिया के बीच में कई सारे व्यापारी समझौते हुए हैं, ठीक है, और व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। फिगर 8.6 शोज द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, स्टडी द ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो ग्राफ दिया है उसे देखकर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील एक्सीडेड द इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील, कौन से साल में एक्सपोर्ट्स बढ़े थे ब्राजील के कंपेयर टू इंपोर्ट्स, तो हम देखते हैं। चलिए देखिए, ये रेड कलर की लाइन जो है इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील, भारत ने ब्राजील से कितना इंपोर्ट किया है यानी कितना खरीदी की है, और ब्लू लाइन जो है वो है एक्सपोर्ट टू ब्राजील, ब्राजील को जो बेचा है वो। तो एक्सपोर्ट कौन से सालों में ज्यादा है ये पूछा गया है कंपेयर टू इंपोर्ट। तो देखिए यहां पर 2008 में एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 2009 में कम हो गया एक्सपोर्ट, 2010 में ज्यादा है, 2011 में ज्यादा है, बाद में 2012 में कम हो गया, फिर 2013 में बढ़ गया, 2014 में बढ़ गया, 15 में भी ज्यादा है, यानी 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 and 2015 इन ईयर्स में एक्सपोर्ट ज्यादा था कंपेयर टू इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ट्रेड विद ब्राजील वॉज मोस्ट फेवरेबल ऑफ ऑल, तो कौन से साल में भारत के लिए ट्रेड जो है वो फेवरेबल था, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा ब्राजील को ज्यादा था कंपेयर टू इंपोर्ट। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा है डिफरेंस, तो इसके कारण ये जो है ये अनफेवरेबल ट्रेड हो गया, और 2013 में जो है देखिए ये जो है सबसे ज्यादा डिफरेंस, तो ये वाला जो है सबसे ज्यादा 2013 में फेवरेबल था। बाद में कमेंट अपॉन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द ईयर 2013, देखिए 2013 में जो है इंडिया से ब्राजील का ट्रेड जो था वो सबसे ज्यादा था, और इंडिया के लिए वो सरप्लस था, यानी भारत के लिए वो जो था फायदेमंद था ट्रेड। फ्रॉम विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील हैव एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील, कौन से साल में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ब्राजील को कंपेयर टू हमने उनसे खरीदी के, तो ये 2013। राइट अ नोट ऑन ट्रेड बिटवीन ब्राजील एंड इंडिया, तो क्या बोल सकते हैं ब्राजील और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो, देखिए ये जो ग्राफ है हमेशा ऊपर नीचे रहा है यानी फ्लक्चुएटिंग रहा है, और 2013 से जो है हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू ब्राजील इज मोर कंपेयर टू इंपोर्ट्स, और 2014 में जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दोनों काफी कम हुए हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडियन कंपनी सेट अप इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑल ओवर ब्राजील एंड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कैपिटल, भारतीय कंपनियां काफी ब्राजील में वहां पर उन्होंने फर्म्स स्थापित की है और वहां पर काफी इन्वेस्ट किया है पैसा। द इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सच सेक्टर्स एज IT, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, एग्री बिजनेसेस, माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स। देखिए भारत की IT में तो भारत नंबर वन है, फार्मास्यूटिकल्स जायंट भी है भारत में, यानी मेडिसिन भी काफी प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर एनर्जी सेक्टर में भी काफी आगे है भारत, एग्री बिजनेसेस यानी खेती से रिलेटेड, माइनिंग करने में भी आगे है, और इंजीनियरिंग, तो भारत में इंजीनियर्स काफी प्रोड्यूस होते हैं तो वहां पर इंजीनियर्स जाते हैं, और ऑटो इंडस्ट्रीज जैसे हमारी कुछ कंपनीज है, हीरो कंपनी है वगैरह, टाटा कंपनी है, तो वो व्हीकल्स बनाती है तो वो भी वहां पर है।
ब्राज़ील्स फुटप्रिंट इन इंडिया इज स्मॉलर बट इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू इंडिया. इंडिया की वहां पर जितनी कंपनीज है उसके मुकाबले में ब्राज़ील की यहां पर इंडिया में काफी कम कंपनीज है. द ब्राज़ीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, आईटी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल्स, फुटवेयर सेक्टर्स इन इंडिया. तो ब्राज़ील की भी कुछ कंपनीज हैं इन फील्ड्स में भारत में. डू यू नो ब्राज़ील हैज बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी फॉर द लास्ट 150 ईयर्स. जैसे कि मैंने बताया पिछले 150 वर्षों से ब्राज़ील जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर रहा है कॉफी का. इसके कारण उसे कॉफी पॉट ऑफ इंडिया कहा जाता है, सॉरी कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. द प्लांट बिलोंग्स टू ओरिजिनली इथियोपिया. कॉफी की जो स्पेसिस है उसकी होम कंट्री है इथियोपिया अफ्रीका में. इट वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू ब्राज़ील बाय सम फ्रेंच सेटलर्स हु एस्टेब्लिश इन द स्टेट ऑफ पैरा इन द अर्ली 18th century. 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच कॉलोनाइजर्स आए थे उन्होंने ब्राज़ील में कॉफी प्लांट्स लाए और वहां पर लगाए. कॉफी फार्म्स आर कॉल्ड फेजेंडास. जो कॉफी फार्म्स होते हैं ब्राज़ील में उन्हें कहा जाता है फेजेंडास. डू यू नो टैक्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑफ एनी कंट्री. देखिए किसी भी देश में कर जिसे बोलते हैं टैक्स वो तो लगाया जाता है व्यापार पर या फिर इनकम टैक्स वगैरह. इंडिया हैज नाउ स्विच टू द GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये काफी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है भारत में जो करंट मोदी सरकार ने लाया है. वो बहुत बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म है यानी टैक्स में सुधारना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच एम्स टूवर्ड्स वन टैक्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन वेरियस कमोडिटीज एंड सर्विसेज. तो पूरे देश भर में एक ही तरह का टैक्स है. पहले बहुत से टैक्स होते थे जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स या फिर वैट होता था, बहुत से टैक्स होते थे. लेकिन अभी वो कंबाइन करके ताकि जो बिजनेसमैन है उनको सिंपल जाए ट्रेडिंग करना, इसलिए सिर्फ एक तरह का टैक्स रखा गया है. ब्राज़ील टू हैज अडॉप्टेड सिस्टम फ्रॉम 1984. ब्राज़ील में तो 1984 से है. लाइक इंडिया इन ब्राज़ील टू GST हैज वेरियस स्लैब्स. जैसे इंडिया में है उसी तरह ब्राज़ील में भी GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कई सारे स्लैब्स है. स्लैब्स किसे कहते हैं? जैसे बहुत ही आवश्यक जो चीजें होती है, जीवन आवश्यक वस्तुएं, उन्हें सबसे कम टैक्स होता है, जैसे 5% टैक्स. बाद में थोड़े कम महत्व के वस्तुओं को थोड़ा ज्यादा टैक्स होता है, जैसे 15%. बाद में लग्जरी गुड्स जो होते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स होता है, जैसे 28% वगैरह. तो ये जो हो गए स्लैब्स कहते हैं उन्हें. अलग अलग लेवल जो होते हैं टैक्स की उन्हें बोलते हैं स्लैब्स. तो भारत की तरह ब्राज़ील में भी अलग अलग स्लैब्स है GST के. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड. धन्यवाद दोस्तों.